तो हेलो दोस्तों, आपका आपके चैनल डी में स्वागत है। तो आज हम आए हैं रामलीला गार्डन पोलो ग्राउंड में, माउंट आबू में। और आज हम देखेंगे रावण दहन और रामलीला चल रही है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ही बढ़िया रावण बनाए हुए हैं यहाँ पर, देखिए। और अपने साइड में रामलीला चल रही है और आप देख पा रहे हैं सामने जो है लंका है। हनुमान जी लंका को पहले दहन करेंगे, उसके बाद आप देख रहे हैं बाकी मेघनाथ, रावण और कुंभकर्ण को दहन करेंगे। आप लास्ट तक देखिए इस वीडियो को, क्योंकि इसमें जो ज़बरदस्त आतिशबाजी और दहन का जो कार्यक्रम है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आपको देख के लास्ट तक देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, बहुत ज़बरदस्त क्राउड है यहाँ पर। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये है लंका बनाई हुई है। लंका को थोड़ा सा छोटा ही बनाया गया है यहाँ पर, लेकिन अद्भुत है। और यहाँ पर अब हनुमान जी और राम जी और सब जाएंगे, हनुमान जी जाएंगे और इसका दहन करेंगे। सबसे पहले लंका दहन ही होगा, उसके बाद ये देखिए हनुमान जी जा रहे हैं और ये जलते हुए जा रहे हैं देखिए। और ये जाके उसमें प्रवेश करते ही लंका जलने लग जाएगी। और आप देखिए गजब का दर्शन है यहाँ पर। देखिए लंका में आग लग चुकी है, अब देखते ही देखते आप देख पा रहे हैं आग लग चुकी है यहाँ पर और लंका दहन हो रही है। ये आप देख पा रहे हैं एना और अर्णव आगे गए हुए हैं देखने के लिए। अर्णव डर भी रहा है, ये देख पा रहे हैं यहाँ पर। एना और अर्णव आगे गए हैं, अर्णव आतिशबाजी देख के डर रहा है। और क्या अद्भुत नजारा है, इसमें सबसे बड़े रावण बनाए गए हैं। बता रहे हैं कि रावण में सबसे ज़्यादा जो क्रैकर्स हैं वो लगाए गए हैं। और ये अब जलने जा रहा है मेघनाथ। मेघनाथ को इंद्रजीत को जलाएंगे और फिर उसके बाद इधर साइड में लेफ्ट साइड में है अपने कुंभकर्ण, फिर उसके बाद बारी आएगी महारथी बड़े सबसे बलवान रावण की। वो गिर गई, वाह भाई वाह, पूरी गिर गई भाई। अभी है बारी मेघनाथ की, अभी मेघनाथ दहन होगा।
एक रॉकेट जाएगा सीधे ही, मेघनाथ जलेगा उससे। ये आप ड्रोन देख पा रहे हैं, यहाँ पर ड्रोन से शूटिंग की जा रही है और अब मेघनाथ चलेंगे। ये जल चुके हैं मेघनाथ और क्या गजब आतिशबाजी है आप देख पा रहे हैं। बोलो सभी बोलो जय सियाराम। मेघनाथ के तो एक सेकंड में परखच्चे उड़ गए, पूरा मेघनाथ एक ही सेकंड में ध्वस्त। सिर्फ ढांचा ढांचा रह गया है मेघनाथ का, पूरा ही जल चुके हैं। क्या पता के डाले यार, मेरा पैसा गवर्नमेंट ये यार, ये क्या था ये। ये फिर भी अच्छा चल रहा है, निकाह जमा हो गया पूरा नहीं लिया। कुंभकर्ण को बहुत बुरी तरह से जला दिया गया है, अब बारी आ गई है रावण की। रावण को आज नहीं बच सकता, क्या सुंदर आतिशबाजी का नज़ारा है, बहुत ही मन को भाने वाला मनमोहक नज़ारा है ये।
ये अच्छा था यार। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। उनको यहाँ रावण को भी उड़ा दिया गया है और देख पा रहे हैं क्या मनमोहक तरीके से रावण चल रहा है, कितनी जबरदस्त आतिशबाजी है। वाओ निकल गई आत्मा। बहुत ही गजब। Thank you.
ये गया, ये गया, ये गया, 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 गया। पीछे देखते तो सब गए। ये हो गई सभा समाप्त। और गया 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 गया। ये गजब था यार।